मोस्ट वेलकम टू माई चैनल माई जूनियर मैथ। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज है 11.4 का क्वेश्चन 1 है। ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, ए पथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउट साइड एंड अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पथ, आल्सो फाइंड एरिया ऑफ द गार्डन इन द हेक्टेयर। ये जो गार्डन है, इसके चारों तरफ रास्ता है बना हुआ, और जो इसकी जो डायमेंशन है 90 मीटर लेंथ है और 75 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो अब देखिए, इसमें करना क्या है हमको, ये जो हमें फाइंड करना है इसमें वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पथ। पथ का जो एरिया होगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ पथ इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। इसमें दो तरह के एरिया होंगे, एक तो आउटर डायमेंशन है ये वाली, और एक इनर ये वाली अंदर वाली। तो आउटर डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर दोनों तरफ से 5 5 प्लस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आउटर के लिए हमें लेंथ इसकी लेनी पड़ेगी 90 में हमने प्लस कर दिया तो कितना आया, 5 प्लस 5 10, तो ये 100 हो जाएगी। 100 मल्टीप्लाई इसकी विड्थ हो जाएगी, 75 में 10 प्लस कर दिया हमने 5 इधर से 5 इधर से, तो ये हो गई 85। तो ये तो इधर से हमारा आउटर हो गया, माइनस इनर, इनर में हम ऐसे ही रख देंगे इसको 90 मल्टीप्लाई 75। अब सिंपल इसकी कैलकुलेशन है तो 8500 तो ये आ गया आउटर, और इनर के लिए जीरो लगा देंगे, 95 दा 45 कैरी 4, 97 दा 63 67, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8500 इसके नीचे 6750, 10 में से 5 और यहाँ पर देखिए 14 में से 7 और 7 में से 6, तो 17 और 50 1750 जो है इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1750 अब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, देखिए मीटर है ये, तो यहाँ पर हम स्क्वायर मीटर लिख देंगे आंसर। एक आंसर तो इसका ये आ गया। अब देखिए, इन्होंने ये पूछा था आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में इसका एरिया फाइंड करना हमको, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिंस 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स, 1/10,000 हेक्टेयर्स। तब हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स, एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स इज इक्वल टू, ये जो हमारा आया था 6750, इसके नीचे हम ये लिख देते हैं 10,000। अब देखिए 40 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के हम लिख देंगे 0.7650 हेक्टेयर्स आंसर, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये भी इसी तरह का है बिल्कुल। ए 3 मीटर वाइड पथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पथ। इसके अंदर भी देखिए मैंने इसकी फिगर बना दी है, 125 मीटर लेंथ है और 65 मीटर वाइड है, इसके चारों तरफ 3 मीटर वाइड एक रास्ता बना हुआ है। तो इसमें भी यही करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पथ, इसका एरिया ऑफ द पथ निकालने के लिए वही करेंगे इसमें, जैसे ऊपर वाले सवाल में क्या है। मैंने देखिए इसे कैसे करते हैं, एरिया ऑफ पथ इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब आउटर एरिया में क्या रखेंगे, 125 में कितना प्लस करेंगे, देखिए 3 इधर से यानी 6 प्लस करने के बाद 131, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 131 और मल्टीप्लाई 65 में भी 6 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 71, तो 71 ये आ जाएगा। अब देखिए इनर के अंदर हम एज इट इज रख देंगे इसको, 125 मल्टीप्लाई 65, अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 131 को 71 से, 131 को 71 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो 131 ऐसे आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, 7 1 7 7 3 21 कैरी 2 और 7 1 7 2 9 1 7 3 10 कैरी 1 3
और 9 9 3 1 0 ये आ जाएगा यहाँ पर 9 3 1 0 9 3 0 1 9 3 0 1। अब 125 को 65 से और करना है, 125 को 65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 5 5 5 5 25 कैरी 2 5 2 10 12 कैरी 1 5 1 5 6 हो गया। अब यहाँ क्रॉस लगा देंगे, देखिए 6 5 30 कैरी 3 और 6 2 12 12 3 15 कैरी 1 और 6 1 6 6 5 30 कैरी 3 और 6 6 5 30 कैरी 3 और 6 2 12 15 कैरी 1 और 6 1 6 1 7। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं, देखिए 5 2 6 5 11 कैरी 1 8 1 एंड 2 5 आ गया, 8 8 1 2 5 इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना होगा, 9 3 0 1 के नीचे 8 1 2 5 लिख लेंगे, 11 में से 5 6, 9 में से 2 7, 2 में से 1 9, तो 1 1 7 6 देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 1 7 6 स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये मीटर है वहाँ पर, तो हम यहाँ पे भी इसको स्क्वायर लगा देंगे, इसका स्क्वायर मीटर।